Hey, thank you for watching my video and welcome back to my channel. Today I'm going to share with you very famous artist Laurel Charleston's recreation, and it's a very easy and quick makeup. It's a really gorgeous and beautiful. And today I'm going to share with you how I completed this makeup. तो please पूरे video में आप end तक बने रहना. So मैं कौन सी product use करती हूँ, कैसे apply करती हूँ, वो detail में आपको बता सकूँ. सो फर्स्ट हेयर आई स्टार्टेड विथ बेस. मैंने पहले से ही बेस बना के रखा है और उसका मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे बना के रखा है. इफ़ यू हैवंट वॉच तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी द फुल व्लॉग ऑफ द बेस मेकअप का जो लिंक है वो, तो आप ज़रूर से जाके चेक करना और पहले बेस बना देना. सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर की लिप लाइनर पेंसिल ली है और कुछ रैंडम से ऐसे ही, नॉट द एग्जैक्ट सेम ऑफ द लॉरेल चार्ल्सटन बट अन इवन एनी काइंड ऑफ शेप आई क्रिएटेड ऑन माई फेस लाइक अमीबा. एंड देन आफ्टर मैंने, इफ यू डोंट हैव व्हाइट कलर नी लिप लाइनर पेंसिल देन यू कैन गो विद एनी लाइट कलर शेड, ब्राउनीस और ग्रेस, एनी काइंड ऑफ व्हाइट शेड, और बहुत लाइट कलर से आपको ऐसा ही एक शेप क्रिएट करना है. देन आफ्टर मैंने यहाँ पे बैलीस का कंसीलर ब्रश आता है तो उससे मैंने व्हाइट कलर की क्राइलॉन की जो पेंट स्टिक आती है, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव आई कैन अंडरस्टैंड, सो इफ यू डोंट हैव दिस पेंट स्टिक देन यू कैन गो विद द यू कैन बी प्रोडक्ट एज वेल एज आप जा सकते हो कि डीलेंसी की लिपस्टिक पैलेट आती है तो आप वो भी बाय कर सकते हो, उसमें भी व्हाइट कलर अच्छे से आता है. और उस सारी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर, मैंने सारी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है बाजार में. बहुत सारे सेम ब्रांड के वो बना के सेल करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी ओरिजिनल है कौन सी फेक है. तो बेटर है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक मेंशन की है वहाँ से बाय कर लो, या फिर तो आप ओरिजिनल ब्रांड है वहाँ पर जाके बाय कर लो, एज वेल एज उनकी जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम पेज है वो उस लिंक से जाके आप बाय करो तो अच्छा है कि आपसे फ्रॉड ना हो जाए. ऑल्सो प्लीज इग्नोर द साउंड ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द फायर क्रैकर्स. दिवाली का टाइम चल रहा है और बहुत सारे फटाकड़े आसपास फूट रहे हैं तो ऐसे ही करते देखो. हमने बातें करते करते आता है ऊपर से मेकअप कंप्लीट कर लिया है. इट्स जस्ट टुक 30 मिनट्स टू कंप्लीट दिस मेकअप. वेरी इजी और बहुत ही मज़ा आता है ये मेकअप करने में मुझे. तो ऐसे ही मोर क्रिएटिव फैशन, बोल्ड, ब्यूटीफुल और हेलोवीन मेकअप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. मैं यहाँ पे सारे मेकअप के ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी टिप्स है, सारे टाइप्स के मैं टिप्स और ट्यूटोरियल्स डालती रहती हूँ तो आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हो मेरे यूट्यूब व्लॉग से. तो विदाउट फॉरगेट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पे ज़रूर से टाइप कर लेना तो आपको मेरे न्यू व्लॉग्स की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे. ऑल्सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कौन सा बनाऊँ, आपको कौन सा नया मेकअप सीखना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पतली वाटर कलर की एक ब्रश ली है क्योंकि मैंने देखा कि लॉरेल चार्ल्सटन का मेकअप कितना शार्प है मैन, तो वही शार्पनेस लाने के लिए मैंने एक पतली वाटर कलर की ब्रश से वापिस से एक शेड क्रिएट किया है. और ये देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से, और जहाँ भी मुझे लगे कि मेकअप थोड़ा सा बाहर है ऐसा है तो मैंने ईयरबड लिया और उससे मैंने थोड़ा बहुत साइड से क्लीन कर लिया है. तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा लाइन जो ख़राब लग रही है उसको मैंने ऐसे कवर कर लिया है. तो मैं मेरे यूट्यूब व्लॉग में ये भी टिप्स देती हूँ, अगर आपसे भूल में कोई मेकअप का कोई भी लाइक मेकअप करने के बाद आपका काजल गिर गया है तो आप कैसे उसको अच्छे से वापस से आपका मेकअप कैसे सेट करना है, तो वो भी सारी टिप्स मैं देती रहती हूँ. ऑल्सो मैं मेरे मेकअप क्लास में ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बोथ टाइप के क्लासेस लेती हूँ जहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस हर टाइप के मेकअप सिखाती हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग भी सिखाती हूँ. यू नो व्हाट, अभी आज के कल्चर में मेकअप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप कहीं पे जॉब पे जाते हो या फिर तो कोई भी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, कॉलेज में जाते हो या किटी पार्टी में जाते हो तो थोड़ा बहुत नॉर्मल मेकअप इट्स वेरी रिक्वायर्ड क्योंकि आप जब कोई मेकअप इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप जब किसी के से बात करते हो तो कोई आपको अच्छे से सुने, यू नो आप जब अच्छे लग रहे हो, आपकी अच्छे से स्मेल अगर आ रही हो आपके आसपास से तो पीपल लाइक टू अट्रैक्ट कि लाओ उससे बात करते हैं, या फिर आप कुछ बोलते हो तो ज़्यादातर लोग आपकी बात सुनने के लिए रेडी होते हैं. तो
तो इट्स अ वेरी गुड टू कन्विंस टू समवन बाय योर लुक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. आई नो लुक से ज़्यादा दिल भी इम्पॉर्टेंट है, बट या थोड़ा बहुत लुक के साथ दिल सब अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है. तो यू कैन बुक क्लासेस विथ मी ऑनलाइन एज ऑफलाइन. और मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लास ख़त्म होने के बाद आपके साथ कनेक्शन छोड़ देती हूँ, नहीं. मैं उसके बाद आप कैसे इसमें से करियर बना सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आप अर्निंग सोर्स गेन कर सकते हो ऑनलाइन एज एज ऑफलाइन. आप कहाँ से जॉब अप्लाई करो, कैसे अर्न करो, वो डिटेल्स में मैं समझाती हूँ. इफ़ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी कैसे सॉल्व करना है वो सारी डिटेल मैं मेंशन करती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से लॉरल चार्ल्सटन का मेकअप कंप्लीट किया है. ऐसे ही मोर क्रिएटिव्स मेकअप रिक्रिएशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. और ये मेकअप करने में मुझे 30 या 45 मिनट जैसा टाइम हुआ है और मैंने फटाक से कर लिया है. ये क्रिएटिव मेकअप मोस्टली वॉग्यू रनवे या फिर तो फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है. तो ये एक टाइप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक यूज़ की है. ये डील एन सी की पैलेट है. यहाँ पे मैंने 3 शेड्स मिक्स करके बनाया है. और ये एक पहले मैंने एक लिप लाइनर कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने पिंकीज ब्राउनिश जैसा कलर बना के अच्छे से किया है. उसके बाद मैंने लिप ग्लोस से उसको शाइनी लुक दिया है. बिकॉज यू कैन सी लॉरल चार्ल्सटन का मेकअप में बहुत ही अच्छे से लिप पे शाइन आ रही है. तो मैंने भी लिप ग्लोस यूज़ किया है. यू कैन ऑल्सो यूज़ वॉट एवर कलर आपके पास हो तो आप अच्छे से 2 कलर मिक्स करके तीसरा एक कलर बना सकते हो. यहाँ पे मैंने लिप ग्लोज और लिप लाइनर करने के बाद मैंने आईब्रोज़ पे फोकस किया. जैसे कि लॉरल चार्ल्सटन ने पूरी आईब्रोज़ है उसको हाइड कर दिया, एक पतली सी ब्लैक कलर की लाइन बनाई है. द सेम वे मैंने ग्लू करके उस पर पाउडर लगा के फाउंडेशन से मेरी आईब्रो कवर कर ली है. एंड देन आफ्टर मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन से एक पतली सी लाइन बनाई है मेरे आईब्रो पे. तो इसी तरह से मैंने पूरा मेकअप कंप्लीट किया है. बहुत ही बढ़िया लग रहा है. इस टाइप के मेकअप आप हेलोवीन पार्टीज हो या फिर तो कोई वोग्यू रनवे हो तो फैशन इंडस्ट्री में ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं. तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेकअप कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग में कौन सा बनाऊँ. एज वेल एज मुझे और भी इंस्पायर करते रहना आपकी कमेंट्स से, तो मैं और भी मज़े से आपके पास व्लॉग ट्यूटोरियल्स और ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी. हे गाइस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये आज का पूरा मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा. और ऐसे ही मोर क्रिएटिव फैशन बोल्ड ब्यूटीफुल हेलोवीन मेकअप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. एज वेल एज मैं मेरे मेकअप क्लास में बेसिक टू एडवांस सेल्फ ग्रूमिंग वो सारे मेकअप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बोथ लेती हूँ. तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन तो मुझे जरूर से मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे. मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, तो आप जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. और मुझे डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय यूट्यूब, जैसे कि आपको ये पूरे मेकअप ट्यूटोरियल्स ब्यूटी टिप्स है और ये जो मैं टेक्निक है जो मैं कर रही हूँ मेकअप की, कैसे कर रही हूँ, कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, वो सारी डिटेल्स जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय यूट्यूब अकाउंट एंड इंस्टाग्राम टू. तो नेक्स्ट व्लॉग में कौन सा बनाऊँ वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.